क्या हुआ अभिषेक, तुमने मुझे यहाँ क्यों? निधि तुम यहाँ? बेबी सब ठीक तो है ना? हुआ क्या? रमन संभालो इन्हें, शी इज ऑब्सेस्ड विद शनाया रायचंद। आज ये मुझे एयरलाइन ऑफिस तक ले गई थी असली शनाया से मिलाने के लिए। असली शनाया? मैं कुछ समझा नहीं, हुआ क्या? इनसे मिलो, यह है मिस नीतू बत्रा। इनका मानना है कि मिस नीतू बत्रा इज एक्चुअली शनाया रायचंद। हमने सारे आइडेंटिटी चेक्स करवा लिए हैं बट शी इज नीतू बत्रा। प्लीज इन्हें बोलो यार, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मिस बत्रा इनके ऊपर हरासमेंट का केस फाइल करना चाहती है। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ, निधि बहुत सुलझी हुई लड़की है, आई एम श्योर कोई गलतफहमी होगी। प्लीज 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 मेक एन एक्सेप्शन। अभिषेक प्लीज समझाओ इन्हें। ठीक है अगर आप बोलते हैं तो मैं जाने देती हूँ, मैं केस नहीं करूंगी, मगर इनको समझा दीजिए कि अगली बार से मुझे बिल्कुल भी कॉल ना करें। जी बिल्कुल, थैंक यू। आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। इट्स ओके ऑफिसर, आई विल टेक द केस बैक। थैंक यू। रमन ऐसे भी मैंने आपसे भी कहा था, मैं तो क्या हो जाता तुम्हें? जस्ट काम डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तुम ये शनाया के मामले में इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? हमेशा के ओवर वर्क्ड अप। अभिषेक अब जब इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है तो निधि के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं होंगे ना? बट निधि इस तरह की गलती दोबारा ना हो प्लीज। आई प्रॉमिस। थैंक यू निधि, आप चलो प्लीज। हाँ हाँ ऐसे तो काम हो गया है। एंड यू नो व्हाट, निधि का तो चेहरा देखने लायक था, गुस्से से एकदम लाल पीली हो रही थी। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत मजा आने वाला है। ओके बाय। क्या खुश है? खुश नहीं है तुम? खुश खुश माय फुट। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ इस डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगी? मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग? हां ये बात तो सुनो शनाया, वो भल्लस नहीं है, उन्होंने हमें अपनी एनुअल होली पार्टी के लिए इनवाइट किया और वहाँ पर ना एक कपल्स डांस कॉम्पिटिशन, और मैंने सोचा हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। तुम कुछ ज्यादा हाईली नहीं सोचते अपने बारे में? देखो मैं तो सिर्फ चाहता था कि तुम इंजॉय कर पाओ, यू नो। देखो अगर तुम्हें नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसा करता हूँ, ये फॉर्म फाड़ देता हूँ, चल। क्यों, आर यू मैड? पागल हो तो बिल्कुल, तो इतने आसानी से गिव अप कर दोगे क्या? आई एम अ गर्ल, यू मस्ट वू मी, इम्प्रेस मी, थोड़ा पटाना चाहिए, यू नो। ऐसे थोड़ी ना कि इतने इजीली लड़की ने बोला और तुमने पेपर फाड़ दिया, थोड़ा बोलना चाहिए प्लीज शनाया, जो इतना बेबी अब मैं मान जाऊंगी। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये फॉर्म भरा, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट यू नो व्हाट, अगर भरने से पहले एक बार मुझसे पूछते तो मुझे अच्छा लगता, नेक्स्ट टाइम पूछ के करना। ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अरे छोड़ो ना मम्मा, निधि वैसे भी कितनी सेस लग रही है, मुझे नहीं करना है सर तामझाम, निधि छोड़ो है प्लीज। फिर भी पर क्यों परेशान हो रही है? पर जो कुछ हो गया और ऊपर आकर पुत्र देख, आज शाम को होली का दहन है, तू मेरे होने वाली बहू है तो ये पूजा तो तूने करनी है। कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं ना पुत्र, ले आई तो सारी चीजें? जी पापा। मम्मी इस सब की क्या जरूरत है? पहले तो उन्होंने कहा ना इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं, कोई बात नहीं, पूजा है जरूरी है। देख ये है तेरी होली का तोहफा, देख ये जेवर है तेरे लिए, और ये देख ये तेरे लिए तेरे शगुन का जोड़ा, चंगा ये पहन के तू पूजा में आना और फिर रमन के साथ बैठ के पूजा करना। और हाँ निधि, वो कपल अगर साथ में पूजा करे ना तो उसे शुभ माना जाता है, तो तुम ना फटाफट रेडी होके टाइम से आ जा। मैं रेडी हो क्या? हाँ हाँ जा। और रमन जा, तू भी जा, थोड़ी देर इसके पास बैठ जा पुत्र, बेचारी बड़ी परेशान लग रही है। हाँ क्या? जा बेटा जा। हाँ हाँ भाई जाओ। तेनू ते अभी होर परेशान होना है निधि मैडम, आज किसी भी हाल में मैं तेनू रमन के साथ पूजा नहीं करने दूंगी। सिर्फ यही नहीं, देखती जा होर कुछ की होने वाला है।
नीलू पूजा की तैयारी हो गई सारी? हाँ मम्मी जी हो गई। चल ठीक है। सिमी बच्चे थले चले गए तैयार हो गए अब? हाँ सब चले गए, शगुन के साथ नीचे चले गए। चल गुड गुड। अब भल्ला जी तुसी कितने जा रहे हो? ओ नीचे बच्चे जो है ना आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे हैं, मैं पर्स नहीं लेके गया था, पर्स लेने आया हूं। आइसक्रीम पूजा के बाद खिला देते ना। हाँ ठीक है ना, आप तैयारी तो करो। पापा वो मुझे कुछ आपसे ना। यू एस एमी कुछ चाहिए क्या? हाँ मुझे वो करनाल वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स देखना। पर इस वक्त क्या करना है वो पेपर? पापा प्लीज एक बार आप मुझे दिखा दीजिए बस वो प्लीज। सिमी मैंने वो पेपर संभाल के रख दिए हैं, जब शगुन के बच्चा हो जाएगा तब मैं वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम करने वाला हूँ। चलो अभी पूजा करने। एक मिनट पापा, किधर रखे आपने? इधर की। एक बार आप चेक कर लो आपने कहाँ रखे, प्लीज प्लीज। अरे मैंने बोला ना, ये देख यहाँ रखे हुए मैंने, ये देख इसमें मैंने रखे हुए, इस फाइल में रखे हुए, इसी में तो रखे थे मैंने। माने तो नहीं कहीं रख दिए? पापा जी पेपर्स यहाँ। ये पेपर्स तेरे पास कैसे आए? ये पेपर्स मुझे प्रतीक ने दिए और उसे किसी ब्रोकर ने दिए प्रॉपर्टी बेचने के लिए। पापा आपकी अलमारी से ये पेपर्स चुराए गए हैं। चुराए? किसने? कौन हो सकता है? ये सारिका के काम तो नहीं? पता नहीं पापा, मुझे भी उसी पर शक हो रहा है, वो ये कैसे काम करने वाली। इस लड़की से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पापा हम पुलिस को क्या बोलेंगे? हमारे पास कोई सबूत है उसके खिलाफ? सिमी सबूत वो ब्रोकर होगा ना। पापा यही तो प्रॉब्लम है, वो ब्रोकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं और प्रतीक उस ब्रोकर से जाके मिले तो शायद हम कुछ बात नहीं करवा सके। हाँ ये ठीक रहेगा, तो एक काम कर प्रतीक के साथ जाकर ब्रोकर के साथ बात कर, मैं सारिका के ऊपर नजर रखता हूँ। गुस्सा क्यों हो रही है? इतना गुस्सा तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक न्यूज़ देने आया था। ये न्यूज़ सुनने के बाद तुम्हारा दिल तो जरूर टूटेगा, हो सकता है तुम्हें शॉक भी लगे। तो मैंने सोचा किसी और के बताने से पहले मैं ही तुम्हें बता दूं कि मैं शनाया रायचंद से शादी कर रहा हूं। तुम शादी कर रहे हो? Just so funny. No, I don't think so. और तुम क्यों हंस रही हो? Just तुम कोई मजाक नहीं हो तो तुम पे थोड़ी ना हंसूंगी मैं। वैसे भी तुम यही बता रहे थे ना कि हम शादी, तो ऐसे अकेले अकेले में चुपके चुपके क्यों? Let's announce it, right? I can see Raman Bhalla over there. चलो रमन को बताते हैं, सबके सामने अनाउंस करते हैं। चलो हाय मिस्टर भल्ला। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज एवरीवन? या हाय मैं शनाया रायचंद, इन्हें तो आप सब अच्छी तरह से ही जानते होंगे। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मिस्टर अशोक खन्ना, जो अब बनने वाले हैं मिस्टर अशोक खन्ना रायचंद। बेबी आई एम सो हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस। या हमारी शादी होने वाली है, ऑफ कोर्स शादी। ईशु इतना जोर से क्यों बोल रही है? ये सबको बताने की क्या जरूरत है? तू टेंशन ना ले, रमन ने और इसने कुछ सोच के ही बोला होएगा यार। बहुत बहुत मुबारक हो सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, यू आर हैप्पी बेबी?
Yeah, of course, I'm happy. Thank you. आपकी होने वाली वाइफ कहाँ है निधि? वो जरा आई थिंक तैयार होने में टाइम लगता है उसे। आज सबके सामने पूजा करूंगी तब इन लोगों को समझ आएगा कि मैं कितना प्यार कर। मेरा पैर, ये वही किरोल। अरे अरे निधि माँ, निधि माँ आपको चोट कैसे लगी? अरे निधि तुम्हारे पैर में तो मोच आ गई है, मेरी चीनी मिली की वजह से गिरी ना। नहीं बेटा, प्लीज अपनी डॉल का ख्याल रखा करो। हाँ मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी चीनी मिली यहाँ कैसे आई। मुझे तो आइस पैक लगाना होगा अगर आपको कुछ हो गया तो। चलो 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 निधि, बहुत दर्द होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आपको आइस पैक लगाना होगा वरना तो बहुत दर्द होगा। I really hope कि हमारा प्लान अच्छी तरह से वर्कआउट हो जाए। Don't worry, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये सब शादी का अनाउंसमेंट है और ये सब क्या था? उसको कंट्रोल में रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वरना उसको पता चल जाएगा कि मैं इशिता हूँ, नाटक कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा यू नो गंदबाजी। वरना असल में तो उसे गला दबाने का मन करता है, इतना इडियट है वो। सिमी है ना? शगुन, ये प्रतीक और सिमी कहाँ जा रहे हैं? चप्पल का स्ट्रैप मुड़ गया। लो मैं ठीक करता हूँ। गेट Simi really deserves all the happiness in the world. I really wish. बहुत कुछ सहा है उसने अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। रूही ने अब तक कॉल नहीं किया, क्या पता वो निधि को बिजी रख पाए या नहीं। कोर्स हमारी रूही बहुत एफिशिएंट है, वो प्लान जरूर पूरा करेगी। आ रूही, बस बस ठीक हो जाएगा। रूही रूही बेबी अभी ठीक है, ये मैं जाती हूँ। नहीं, नहीं नहीं, अगर आप चलोगे तो आपको बहुत दर्द होगा ना। मुझे पता है आपको मेरी डॉल की वजह से चोट लगी है ना, तो मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ठीक है, आप मेरी नई होने वाली मम्मा हो ना। रोई लेकिन मुझे जाना है, ठीक है बाद में करते हैं। अरे नहीं नहीं, देखो आपका पैर सूज रहा है, मैं ऑइंटमेंट लेके आती हूँ, आप जाना मत, यही रहना। लोग क्या कर रहे होंगे। प्लान सक्सेसफुल, टारगेट रूम में है। वेल डन रूही, इसका मतलब रमन और इशिता साथ में पूजा कर सकते हैं। फैंटास्टिक, अपना ख्याल रखना ओके। अशोक का क्या करें? अशोक की टेंशन मत लो, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। साहब 7850 आपकी ही गाड़ी का नंबर है। साहब गाड़ी आपने गलत जगह पार्क कर रखी है, हटानी पड़ेगी। ठीक है। अशोक की बेबी, मेरा बिजनेस तुम्हें ठीक से हैंडल करना है ना, तो पार्किंग तो ठीक से कर लिया करो। रेपिटेशन आफ्टर ऑल। आइए सर। बाय मिस्टर राइचन, जल्दी आना। वॉचमैन। हाँ साहब। मैंने गाड़ी बाहर पार्क की थी, वहाँ तो है नहीं, कहाँ गई? वहाँ नहीं है साहब, लगता है आपकी गाड़ी टो हो गई, आपने गलत जगह पार्क की थी ना साहब। लेकिन साहब अभी डरने की कोई बात नहीं, ये पास का पुलिस स्टेशन है ना, वो लोग गाड़ी को वहीं ले गए होंगे। साहब अभी जाएंगे ना, थोड़ा बहुत पैसा लेके वो लोग छोड़ देंगे आपकी गाड़ी, बाद में जाएंगे साहब तो लंबा लटका सकते हैं। अब ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है साहब। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ जो लेडी आई थी ना उनको बोल देना कि मैं गया हूँ। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। उन चंगा मौका है इशिता और रमन से पूजा कराने का। ले पुत्र पूजा कर ले।
रमन भैया और शनाया साथ में पूजा कर रहे हैं, ये बात तो निधि को बतानी पड़ेगी। निधि, निधि क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी। रूही तुम जरा बाहर जाओ, मुझे निधि से बात करनी। पर मैं निधि का ध्यान रख रही हूँ ना। ध्यान मैं रख लूंगी, मैं कर लूंगी देखभाल, तुम जाओ। क्या हुआ है? क्या हुआ है यार, तुम इतनी बददिमाग कैसे हो सकती हो? इन लोगों ने तुम्हें लाल सूट दे दिया, ये बच्ची बैठ के ऑइंटमेंट लगा रही, तो तुम फंस गई इनके जाल में। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, ये सब ड्रामा है ड्रामा। वहां पर वो शनाया रमन भाई के साथ वो सब कुछ कर रही है जो तुम्हें करना चाहिए। होलिका के चक्कर लिए दोनों ने, दोनों ने साथ में पूजा की है होली की। क्या? क्या मुसीबत पाल रखी है। बहर को छोड़ो, चलो जल्दी। यस, पापा और इश्मा के फेरे हो गए, मेरा भी काम हो गया। तुम क्या कर रही है? पूजा कर रहे हो इसके साथ? तुम्हारा पांव पर, पैर में चोट लगी है। मैंने बताया कि तुम्हारे पैर में चोट लगी, तुम मुझे फोन कर देती बेबी। तुम मेरे पांव की बात मत करो रमन, तुम इसके साथ पूजा क्यों कर रहे हो? यू डेयर लाइ टू मी। यार तुम वो पूजा नहीं कर रहा था। तुम जानती हो ना शनाया साउथ अफ्रीका से, उसे पता नहीं कि रिचुअल्स कैसे होते हैं, कैसे भेड़ लेने चाहिए होली के। इनका बिजनेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारी शादी है ना। एक सेकंड। हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एक सेकंड, ये लो प्रसाद। रमन, मैं तुमसे प्रसाद। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, तुम बहुत लेट हो गई निधि। ऐसे नहीं करते ना, ऐसे कैसे तुम इतना लेट हो गई? रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हो, बट इट्स ओके, मैंने ना सब कुछ कर दिया अच्छे से। आई हैड टू हेल्प हिम ना, तो जितनी भी वो कपल वाली रस्में थी ना, यू नो राउंड राउंड घूमना, साथ में वो कुछ कुछ डालना, एंड द बेस्ट वन वाज हाथ में हाथ पकड़ना। आई एंजॉय, इट वाज गुड। कितनी बेशरम हो ना तुम, खेल खेल रही हो मेरे साथ। नो, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं खेल खेल रही हूँ? मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि कहीं भी चोट लग गई, गिर गए और अपना मौका दूसरे के हाथ में दे दिया। इसलिए तुमने कहा कि तुम बेशर हो, मेरी चोट का फायदा उठाया। न गलत मैं, न गलत तुम, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। आई ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, मौके का सही फायदा उठाती हूँ। तुम एक लॉयर हो, तुम आराम से सोचो और उस सोच पर अमल करो अगली तारीख आने पर। लेकिन वो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तब तक मैं रमन मेरा होगा, लॉयर साहिबा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।